घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
کسی همری بتنی دن بھی وہی رات وہی ساسوں سمٹ جائے آپ یہاں ہمیشہ رہے دوری رہے نہ فاصلے शशांक यादव जो एक ईमानदार इंजीनियर इस देश का बेटा था इस देश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में लगा हुआ था उसका मर्डर करा दिया। ये बहुत दुखद और खेदजनक बात है कि ऐसे लोग जो ईमानदारी से इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्ट्रगल करना चाहते हैं ऐसे लोगों को साजिश पूर्वक उनका मर्डर किया जाता है। ऐसी स्थिति में और उनका छोटा भाई हमारे आई आई टी रुड़की
है, स्टूडेंट भी है, हम सब लोगों के बीच में हमें बहुत दुख है कि आज हमारे बड़े भाई के साथ इस प्रकार का हादसा हुआ और उनको ईमानदारी का ये परिणाम मिला कि ईमानदारी के साथ साथ उन्होंने उन भ्रष्ट लोगों को रुकावट पैदा की तो वो ढाई करोड़ रुपए के उस घोटाले को रोकना चाहते थे, इसलिए उनका उनको मर्डर कर दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम के स्टूडेंट्स में यह संवेदना है कि वो ईमानदारी के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई और वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आपकी आवाज़ रूड़की आईएनटी से लेकर और केंद्र तक पहुँचे, केंद्र की सरकार इसमें मजिस्ट्रेटियल जांच पठाए, सीबीआई कोर्ट के माध्यम से इसकी जांच हो और जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सजा उनको मिले, इस प्रकार की मेरी भावना है। आज हमारे परिवार में एक बहुत ही शोक लहर फैली हुई है, हम उस शोक संतप्त परिवार को उनके साथ अपनी एकता का परिचय देते हुए और इसमें भाई शशांक यादव जी की मृत आत्मा को शांति मिले और स्वर्ग में उन्हें स्थान मिले, हम राष्ट्रपति को और विभिन्न अथॉरिटीज को वो भिजवाएंगे, आपकी भावनाएं सबको अवगत कराएंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी उन भ्रष्टाचारी लोगों को जिन लोगों ने मर्डर में वो किया है भाग लिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त जाँच हो, उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इस प्रकार का हम लोगों का प्रयास रहेगा। मैं आप सभी लोगों से आपके इस संवेदनशील सहयोग के लिए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी कभी भी कोई इस प्रकार की असंवेदनशील बात हो आप सब लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे नौजवान बहनें, हमारे नौजवान बंधु जो इस देश में आने वाले समय में इस देश का इतिहास बन रहे हैं उनके ईमानदारी का जज्बा है। सभी लोग यहाँ पर एक मिनट का मौन रख के अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि शशांक यादव जी को प्रस्तुत करेंगे और उनका परिवार इस असहनीय दुख को सहने के लिए इस हम सब लोगों की भावनाओं से एकजुट होकर वो इससे उभरेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और हमारी सब भावनाएं जो उनके छोटे भाई सेकेंड ईयर मेटलर्जिकल में है उन सबको हम सब लोगों की भावनाएं जो है उनके माध्यम से पहुँचेंगी, ऐसी आशा है। हम सभी लोग हमरा ही सुनो आओ चले चाँद के पार, ऐसी दुनिया में कहीं दूर जिसमें ना गम हो ना आँसू हो, तन्हा जो